एक पासे गर्मी थी दूजे पासे बिजली दी लोड शेडिंग आवाम किथे जाए पर हुण घबराण की जरूरत नहीं क्योंकि सिराय आलमगीर तो साडे नुमाइंदे एक एहजी थां दा पता दस रहे ने जिथे नहाण दे बाद एक हफ्ता गर्मी नहीं लगती। तफसीलात लई वेखने अरशद सिन्हा दी रिपोर्ट। पासे शदीद गर्मी ते दूजे पासे बिजली दी बदतरीन लोड शेडिंग, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है क्यों जो है सराय आलमगीर का वो जगू हैड है जिसके बारे इत्थे दी अवामी रवायत मिलती है कि इस हैड दे नहाण तों बाद एक हफ्ता गर्मी नहीं लगती। खासकर जून जुलाई ते अगस्त के महीनों में इत्थे नहाण वालियां दा हर वक्त एक मेला जिहा लगा रहिंदा है। इन्हां महीनों में ही पाकिस्तान के हर शहर चों लोग आते हैं तो कम अज कम एक बार इत्थे जरूर नहाते हैं। गर्मी ते वाधा दे सताए हुए लोग इत्थे आते हैं तो ना सिर्फ नहाते हैं बल्कि इंजॉयमेंट भी करते हैं हुए नजर आते हैं। अपना न्यूज़ ना गलबात कर दिया होया इतने नहाने वाले आमी दसिया बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो गुजर से आए यहाँ पर छुट्टी गर्मियों की छुट्टियों का मजा आ रहा है। बहुत मजा आता है और काफी ठंड महसूस होती है तो सर्दी महसूस होती है जी। मैं गुजर हाल तो आया मेरा नाम रवि शाह है तो उठा ये हट कोई नहीं इस वजह तो ये लोग बड़े खुशकिस्मत है जिरा इन्हें हट मिल गया तो इस वजह तो ये ठंडक रहने वाली बहुत अच्छा मुकाम है। तू सोच जाओ तो चार पाँच दिन गर्मी उंज नहीं रहनी। मैं सराय आलमगीर तो ही हाँ जी इतने सिटी का ही पर इतने आ गया इंजॉयमेंट हो रही है तो बहुत मजा आ रहा है। कोई शक नहीं है कि सराय आलमगीर का यह जगू हैड है जरा इतने नहाँ के बाद एक हफ्ता गर्मी की शिकत महसूस नहीं होती। तुम देख रहे हो मेरे पीछे भी पानी का बहाव कितना ज्यादा है इतना ज्यादा है कि ऐसे बंदे नहा के इंजॉयमेंट करते हैं तो जिस तरह नहा के जाते हैं बाकी इन्होंने एक हफ्ता गर्मी महसूस नहीं होती। कैमरामैन आयम दिनाल अपना न्यूज सराय आलमगीर।